शिवपुरी के मायापुर के गांव की रहने वाली पीड़िता माता पिता और भाई के साथ रहती थी। पिता 2 बीघा जमीन और मजदूरी के बलबूते पे एक 10x10 के मकान में रहकर परिवार पालता था। माता पिता का सपना था कि वह बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कभी गरीबी को आड़े नहीं आने देंगे। यही वजह रही कि उन्होंने कभी भी बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं रोका। गांव से बाहर बेटी को पढ़ाई के लिए भेजा। बिलखती माँ ने बताया कि बेटी पढ़ाई में अव्वल थी, उसे शासन की योजनाओं का लाभ मिलने लगा था, हर क्लास में फर्स्ट आती थी। 8वीं तक गांव में ही पढ़ाई की थी। इसके बाद उसे अशोकनगर जिले के ईशागढ़ के शासकीय स्कूल और कन्या छात्रावास में दाखिला मिल गया था। बेटी ने छात्रावास में रहकर 12वीं तक की पढ़ाई की। बेटी ने 10वीं कक्षा में 72% तो 12वीं कक्षा में 64% अंक हासिल किए। बेटा पढ़ाई में होशियार नहीं था, इस वजह से उसे गाँव में ही रखा था। लड़की के चाचा का कहना है कि पीड़िता के भाई ने शिवेन के परिजनों से कुछ कह दिया था। इसके बाद जब भतीजी की बॉडी ला रहे थे तभी शिवेन के परिजनों ने उनके साथ मारपीट की, पुलिस से शिकायत भी की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। लड़की के परिजनों का कहना है कि उसने गांव के शिवेन और रोमेश के बारे में कभी नहीं बताया था। हो सकता है कि वह लगातार छेड़छाड़ करते रहे हों, पढ़ाई छूटने और घर वापसी के डर से उसने नहीं बताया हो। मायापुर थाना प्रभारी पूनम सविता का कहना है कि लड़की की मौत मेडिकल कॉलेज में हुई है। सुसाइड का मामला दर्ज किया गया है। परिजनों के बयान लेने के बाद मामले में आगे की कार्यवाही की जाएगी। सेवन एक मोचार को उमेश रोमेश दोनों जन ने पकड़ के मांग भरी मेरी लड़की की और जिन ने छिड़ाछाड़ी करी जबरदस्ती। बहुत अच्छी लड़की थी, पढ़ने में होशियार थी, कंप्यूटर भी चलाती थी। उनके माता पिता मेहनत मजूरी करके उसको कुछ बनाना चाहते थे, अच्छी जगह पे पहुंचाना चाहते थे। उन लोगों ने इतना बेकार किया हमारे साथ कि कोई सीमा नहीं।